गाड़ी है गोप्रो ऑर्डर किया था गाड़ी। तो मेरा फ्रेंड ने गोप्रो ऑर्डर किया था किसी दूसरे साइट से और उसके साथ हो गया गंदा वाला स्कैम। तो क्या हुआ है, कैसे हुआ है, वो आपको वीडियो में पता चलेगा। तो चलो वीडियो पे कंटिन्यू करते हैं। गोप्रो ऑर्डर किए थे, कोची दिया है उसमें? गोप्रो ऑर्डर दिया था, कोची दिया है उसमें? कोची है? बोलो, कोची है उसमें? गाड़ी है। गोप्रो ऑर्डर किया था, गाड़ी कैसे आया? हम नहीं जानते भैया। हैं, तू नहीं जानता है? कैसे आ गया, जल्दी बोल। आप ही को नुकसान है, हम लोग को नुकसान नहीं। बोले कि खोल, बोले कि खोल के दिखाओ तो बोलता है कि नहीं खुलेगा नहीं। पैसा पचा लेते हैं, आराम से बता देगा तो सही है। सही बता दीजिए, आपसे माना कुछ नहीं करेंगे, बस एक कैमरा। मैंने गोप्रो ऑर्डर किया था, गोप्रो मिनी मैक्स, तो ये उसमें अभी ई कार्ट वाला आया था तो उसने मुझे ये दिया है। फॉसिल का घड़ी है, प्लास्टिक रबड़ के साथ। वो भी फॉसिल ओरिजिनल नहीं है, वो भी डुप्लीकेट दिया है। इसका रैपर कहाँ पे है? रैपर रैपर इसमें होगा, ये डब्बा है इसका, रैपर वहाँ पे गिरा हुआ है। ये आदमी आया था देने, ई कार्ट वाले, एक मिनट, ई कार्ट वाला एक आदमी आया था जिसका गाड़ी का नंबर ये है। पहले मतलब इससे पूछो, आपने से आप चेंज किए थे? आप खुद से चेंज किए थे? नहीं मारेंगे, नहीं मारेंगे, पीछे नहीं मारेंगे, नहीं मारेंगे। अपने से चेंज किए थे? काहे चेंज किए थे अपने से? काहे चेंज किया ले अपने से बताओ ना, अभी ना बोलवे तो मारू फड़ाक से। अभी काहे चेंज किया ले अपने से बताओ? ठगता है और कुछ ही करेगा, ठगते हो पैसा है? नहीं, काहे चेंज किया? गोप्रो ऑर्डर किए हम, यहाँ पे हम गोप्रो ऑर्डर किया है, कैमरा है, यहाँ पे दे दिया है, चेंज कर दिया डिलीवरी पार्ट। बोल रहा है खुद से अपना मुंह से कि हम, हाँ हाँ, कहा चेंज किए बताओ ना, बोलो जल्दी से कहा चेंज किए? हम ऑर्डर किए, पैसा दिए तुमको, फेसबुक पे नहीं, हम तुमको पैसा दिए। थर्ड पार्टी वाला नहीं बेचता है फेसबुक पे? उससे ऑर्डर किया था तो ई कार्ड से डिलीवर हुआ तुमको? हम पैसा दिए, 2000 रुपया का ऑर्डर था, 2000 रुपया दिए ना, 10 पैसे दिए माल, कुछ खा के बैठे थे तुम्हारा हम, तो फिर कहा दिए? सबके साथ ऐसे करता होगा तो? नहीं, सबके साथ करता होगा ना? सबके साथ करता होगा, इसका तीन आगे से चल जल्दी भाग यहाँ से। पहले कंप्लेन। सो गाइस, वो डिलीवरी टाइम में वो प्रोडक्ट को चेक भी नहीं करने दिया, और दूसरा उसके नंबर भी नहीं लग रहा था, तीसरा वहां जाने के बाद वो बोलता है कि किसी थर्ड पार्टी का ये पार्सल है। गाइस, उसका कॉल नहीं लग रहा था तो मैंने क्या किया कि वो जो आप कोई भी चीज प्रोडक्ट ऑर्डर करते हो तो वहां पे ओटीपी आता है, तो वो ओटीपी आप नंबर, जो डिलीवरी बॉय का नंबर रहता है जो कॉल करके वो बोलता है आपको, उस पे लगा के आप कॉल करते हो तो वहां पे वो नंबर 3-4 बार में लग ही जाना है। सो कॉल लगने के बाद मेरे फ्रेंड ने उसे एक लालच दिया कि मैंने आपको 500 रुपये ज़्यादा दे दिया है, और फिर वहाँ पे हम लोग गए उस आदमी के पास तो वो आदमी बोलता है ये पार्सल हमारा नहीं है। मतलब हमने पूछा कि ये आपका काम है, मतलब वो घड़ी वगैरह दिखा के पूछा कि ये आपका काम है, तो वो बोला नहीं ये मेरा काम नहीं है, ये थर्ड पार्टी का किसी का पार्सल है, तो मैं मुझे बस डिलीवर करने मिलता है, तो इसमें इनकम ज़्यादा होता है तो मैं डिलीवर कर देता हूँ। लास्ट में वो चीज़ बोल रहा था जब मार वगैरह खा गया, उसके बाद वो बोल रहा था कि मैं थर्ड पार्टी का पार्सल है। सो यार, यहाँ पे प्लीज़ आप ये फ्लिपकार्ट स्कैम वगैरह वगैरह से बचो, क्योंकि यहाँ पे किसी थर्ड पार्टी का पार्सल आ रहा है और फ्लिपकार्ट वाला बैग है वहाँ पे रखा हुआ, तो भाई किसी को भी लगेगा कि फ्लिपकार्ट वाला ऑर्डर कर रहा है। सो ये हम कह नहीं सकते कि ये फ्लिपकार्ट वाले का काम है या फिर डिलीवरी बॉय का काम है, मगर ये यहाँ पे तो मेरे फ्रेंड के साथ स्कैम तो हो ही चुका था। तो आप इस स्कैम से बचो, और कभी भी डिलीवरी टाइम में आप प्रोडक्ट को बिना चेक किए हुए मत एक्सेप्ट मत करो, कभी भी कोई भी प्रोडक्ट हो जाए, कितना से कितना महंगा भी, क्योंकि आपका पैसा तो लग ही रहा है उस चीज में, आप उस चीज को चेक करने का हक तो है ही, तो आप बस उस प्रोडक्ट को चेक करो, उसके बाद उस प्रोडक्ट को एक्सेप्ट करो। आज के लिए इतना ही, स्टे होम, स्टे सेफ, एंड थोड़ा सा यार बच के रहो क्योंकि कोविड का थर्ड वेव आने वाला है।